अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का 22 डेट को टेस्ट हुआ है, उसका हम इंग्लिश पैसेज वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, शीप आर ब्रेड इन लार्ज हर्ड्स। द अबव साइटेड सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। इसमें बताना है कि ये सेंटेंस किस में दिया गया है, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है, कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। सो इसका ऑप्शन बी हैज़ बीन रिटन इन पैसिव वॉइस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फेवरेट फूड ऑफ द पीपल इज मीट। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये कौन सा सुइटेबल वर्ड इस पे सूट करता है, कौन सा सुइटेबल वर्ड है इसके लिए कि पीपल जो हैं वो मीट खाते थे। जो भी पीपल एनिमल मीट खाएंगे उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पॉपुलर डिशेज मीन। वहाँ उस पैसेज के मुताबिक हमें बताना है कि पॉपुलर डिशेस का मतलब क्या था। सो ऑप्शन ए, फूड लाइक्ड एंड एंजॉय बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पठान हैज़ द डेफिनाइट आर्टिकल्स द बिफोर इट बिकॉज। पठान के साथ जो द आर्टिकल है वो क्यों लगाया गया है। सो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। द पठान्स आर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ हु शेयर द सेम रिलीजन, रेस, कस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्लूरल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शीप इज़ द सेम। प्लूरल है अंडरलाइन वर्ड का शीप, उसका प्लूरल जो है वो भी सेम ही है, शीप ही है। सो इसी तरह हमारे कुछ नाउन गिवन है नीचे, आप बताएं कि क्या उनका प्लूरल भी सेम है, कौन से का प्लूरल सेम है, कौन से ऑप्शन का। सो ऑप्शन बी जो है उसका प्लूरल जो है सेम ही बनता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अंडरलाइन वर्ड रेड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसकी थर्ड फॉर्म है। सो ऑप्शन ए, बी आर डबल ई डी, ब्रीड का थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द अंडरलाइन वर्ड हार्ट्स इज़ यूज एज आ, तो ये किस तरह से यूज़ किया गया है, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन और मटीरियल नाउन। तो ऑप्शन ए कलेक्टिव नाउन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द अंडरलाइन वर्ड हॉस्पिटेबल मीन्स, तो इसका मतलब क्या है। सो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, प्लीज़ टू वेलकम गेस्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सही से दिख नहीं रहा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहे हैं कि जो अबव पैसेज है उसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन बी प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।